सभापति महोदय अगली पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मेरा यह मानना है कि यदि इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते और न ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान गांवों की ओर नहीं है, उनका ध्यान शहरों की ओर अधिक रहता है और यही कारण है कि देश की 80% आबादी जो कि गांवों में रहती है की तरफ वे उदासीन रहते हैं। पैरा महोदय, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि सरकारी अधिकारियों को समय समय पर गांवों में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हर अधिकारी प्रत्येक वर्ष कुछ दिन देहातों के अंदर जाकर रहें और उन लोगों के सीधे संपर्क में आएं। इससे योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत सहायता मिलेगी। एक दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूँ कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं और ये लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे किए जाने चाहिए। जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लें उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जो पूरा न कर पाए उनके मामले में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। पैरा महोदय, आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तो हमारी योजनाएं भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है उस शक्ति का प्रयोग हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा अनुभव बताता है कि इस देश में किसी एक आदमी या दल की मनमानी नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप ही होने चाहिए। जहां तक दूसरे कार्यक्रमों का संबंध है उसके लिए आवश्यक है कि सभी दल इस मामले में आपसी सहयोग के साथ निर्णय लें, अन्यथा देश में अशांति अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस बात को पूरी गंभीरता से लिया जाए।